और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के रायगढ़ जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां पर नगर निगम ने बजरंगबली को पानी के टैक्स के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले के विरोध में भाजपा ने निगम कमिश्नर के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन ने अब इस विवाद से पीछा छुड़ाने के लिए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब नोटिस को निरस्त करने की बात भी कही जा रही है। नगर निगम की ओर से अमृत मिशन के तहत लोगों के घरों में नल कनेक्शन किए गए थे, अब पानी टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में निगम ने नोटिस का बांटना उस वक्त विवादों में पड़ गया जब वार्ड नंबर 18 के एक हनुमान मंदिर को 2 महीने के पानी के टैक्स के लिए नोटिस जारी किया, जबकि हनुमान मंदिर में नलकूप ही नहीं लगा है। और इस बात की जानकारी मिलते ही बीजेपी, शिवसेना सहित अन्य हिंदू संगठनों ने निगम कमिश्नर के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया है। बता दें कि इसके पहले भी तहसीलदार ने भगवान शंकर को कोर्ट में उपस्थित होने का नोटिस दिया था। बजरंगबली जी को नगर निगम प्रशासन ने अमृत जल मिशन के तहत बिल पटाने के लिए नोटिस दिया और उसी से संबंधित विरोध के लिए हम सब यहां पे आए थे। हम लोग रायगढ़ से, रांची और रायगढ़ से आगरा की टिकट लेकर आए थे कि इस कुत्सित मानसिकता का इलाज होना चाहिए, ताकि नगर निगम, रायगढ़ प्रशासन आम जनता के हितों के साथ कोई खिलवाड़ मत